पास आपके अलावा, आपकी ताकत के अलावा कुछ नहीं है। आप सब आज वो नारा ये है कि 1947 में हमको आजादी मिल गई थी, ये बात ठीक है। चलेंगे आजादी है, हक तुम्हारी आजादी है, हक हमारी आजादी। तुम जेल में डालो आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, तुम पुलिस बुलाओ। और हर दिन एक नया झूठ बोलते हैं। पहले बोले राफेल में कोई चोरी नहीं, और आपके गाड़ी के नीचे में कोई कुत्ता का पिल्ला आ जाए तब भी आपको खुल करके तुमसे लड़ेंगे। और हमारा सपना दिल्ली पहुंचने का नहीं है, लेकर के चले नहीं जाएंगे। आपकी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारी मिट्टी में आपके साथ साथ जी में शामिल होकर इस बात की हम गारंटी करना चाहते हैं कि कोई जन्म हो रहा था तो आप कहां थे? हम लोग आपके बच्चे हैं। इसी तरह यहाँ के सारे तमाम वो लोग जो हमारे साथ हैं, आ सकता है जब जब ये सांप नफरत का फन उठाने की कोशिश करेगा है। इसी का नतीजा है कि इनका बल्लेबाज पैड पहन करके बल्ला लेकर के मैदान छोड़ के भाग गया है। हम लोग कह रहे हैं आजा आई वहां राजा आजा, आइए आइए, क्योंकि आप जब आएंगे तो हम आपको पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। आपका घर पटना जिला है, आपको वापस गंगा पार करके पटना पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि हम अपने विरोधियों को पाकिस्तान नहीं भेजते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान से नाता है। आपका कोई नाता होगा पाकिस्तान से, हो सकता है टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चला रहे हो, ये बार बार लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं, लेकिन पार्टी ने इनको नवादा से बेगूसराय भेज दिया। इतने में जो है इनका दिल हर्ट हो गया है। अरे आइए, बेगूसराय की जनता आपको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि बेगूसराय के लोग अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं। और जब अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं तो आपको वोट जरूर नहीं देंगे, लेकिन आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। आ जाइए चाचा, आइए, इंतजार कर रहा है लोग। 5 साल में जो आपने बेगूसराय के लोगों को परेशान किया है, वो मौका आया है कि 29 तारीख को 2019 के उस चुनाव में इस सरकार से ये बदला चुकाया जाएगा।